आइए आगे बढ़ते हैं। क्या सैफई परिवार के बीच खड़ी महत्वाकांक्षा की दीवार गिर गई है? ये सवाल आज की सियासत के लिए बेहद बड़ा हो गया है, क्योंकि जी मीडिया को जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव सारे गिले शिकवे भुलाकर चाचा शिवपाल को गले लगाने की तैयारी में है। वहीं चाचा भी सम्मान की शर्त रखकर फिर सपा का झंडा पकड़े नजर आ सकते हैं। हालांकि मुलायम एक अरसे से दोनों के बीच सुलह करवाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन नतीजा सिफर नजर आया था। ऐसे में एक बार फिर कई कयास लग रहे हैं। मुलायम के बर्थडे पर बन गई बात। अखिलेश शिवपाल के मिल गए दिल। सूबे में चाचा भतीजे बदलेंगे सपा की सूरत। आने वाली 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस दिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन अब जो सियासी गलियारों से खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चाचा भतीजे यानी शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। 22 नवंबर को पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश की बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद अखिलेश यादव के तेवर नरम नजर आ रहे हैं और चाचा शिवपाल भी इसको लेकर तैयार हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सैफई परिवार की कलह खत्म हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो चाचा भतीजे एक साथ मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाएंगे। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह की बातचीत भी शिवपाल से हुई है। बातचीत में शिवपाल के करीबियों को भी सम्मान देने का आश्वासन दिया गया है। इसीलिए आज अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी महत्वाकांक्षाओं की वजह से तकरार हो गई थी और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता गंवा कर उठाना पड़ा था। शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाकर अखिलेश को अच्छा खासा चुनावी नुकसान किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश ये सब भुलाकर शिवपाल को गले लगाने के लिए सचमुच तैयार हैं, और क्या शिवपाल को सपा में पहले जैसा सम्मान मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।